आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में नूतन जी का फीडबैक शेयर कर रहे हैं उनकी डॉक्टर रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन के साथ। आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी टिनाइटिस की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया। ठीक है, थैंक यू सो मच नूतन मैम अपना वैल्यूबल फीडबैक हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप मुझे बताएंगी आपकी एज क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं एज इज 54 और मैं नवी मुंबई में ना न्यू पनवेल में रहती हूँ। ओके, सो आपको ये टिनाइटिस की प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई और आपने कहाँ कहाँ डॉक्टर्स को दिखाया? डॉक्टर्स को तो मैंने कहीं पे नहीं दिखाया, सिर्फ वो गूगल सर्च करके कुछ थेरापी ले रही थी, वो साउंड थेरापी जो गूगल में आता है ना, okay. वो फोन में रिकॉर्ड करके मैंने थोड़ा यूज किया था, बट उसके बाद ही ये गूगल में ही मुझे आपका मेरे हस्बैंड ने सर्च किया तो ये इसका आपका जो सेंटर है इसके बारे में पता चला, तो उसके फिर मैं उधर से वो मशीन लिया। सो आपने हमसे मशीन ऑनलाइन परचेज किया था, राइट? ऑनलाइन ऑनलाइन में हम कुछ चीज देखते हैं तो हमें काफी बहुत डाउट्स होते हैं कि ये ठीक होगा, ये फेक तो नहीं है, तो ऐसा कुछ आपको? हाँ, वो तो थोड़ा सा था, बिकॉज ये मशीन भी इतना एक्सपेंसिव था, इसके लिए तो थोड़ा सा मुझे डाउट था, राइट? लेकिन फिर भी वो उसका थोड़ा रिव्यू चेक किया हमने तो उसमें वो तो आपको अच्छा ही लगा, नहीं फील हुई इसको परचेज करने के टाइम पे? आपका सारा प्रोसेस इजीली हो गया? नहीं, सारा प्रोसेस ही आया, इजीली हो गया। ओके, एंड हमारी थेरेपी के बाद से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अभी दिख रहा है आपको, जैसे स्लीप, इरिटेशन, ये सारी चीज़? ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गया था ना, तो बहुत इरिटेटिंग हो गया था वो, मतलब 24 आवर्स कान में वो साउंड आ रहा था, थोड़ा सा ज्यादा ही था। तो उसके बाद मैंने ये यूज करने के बाद तो डेफिनेटली साउंड तो मेरा कम हो गया, अभी जो है सिर्फ एक वाइब्रेशन फील होता है मुझे। नहीं, वो कभी कभी हो जाएगा मैम थोड़े टाइम में। सो अगर मैं आउट ऑफ 100% पूछूं तो कितना परसेंट अभी बेटर है आपको? मोर देन 70। ओके, नाइस। सो अभी जैसे आपको काफी पेशेंट सुन रहे होंगे आपकी फीडबैक को, तो आप उनको कुछ अवेयरनेस के लिए बताना चाहेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ दिखाएं, किससे कंसल्ट करें? तो मेरा जो मैं अपने हिसाब से बोल सकती हूँ, डेफिनेटली ये तो मुझे आपका मशीन बहुत ही काम आया है, तो नेचुरली मैं तो यही बोलूंगी यही यूज करने के लिए, बिकॉज मैंने एमआरआई तक किया था, डॉक्टर्स को एक बार दिखाया था मैंने 40s में, की एनटी उधर का जो हैड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने ही हैज टोल्ड मी कि इट हैज नो मेडिसिन एट ऑल, यस राइट, ये जाएगा तो अपने आप ही जाएगा, तो उसके बाद ही मैं ये सर्च किया और ये मुझे मिला लकीली। बिल्कुल, और ये पूरा ठीक हो जाएगा, फिर आप बिल्कुल आपकी नॉर्मल लाइफ हो जाएगी लाइक बिफोर। सो अभी आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं फील हुआ ना इस थेरेपी से कभी भी? नहीं, कभी नहीं फील हुआ, लेकिन कभी कभी मेरा जो सुबह उठ के ना सिर थोड़ा सा हेवी लगता है। हाँ, वो तो नेचुरल है, वो कुछ स्लीप डिस्टर्ब रहती है तो हेवीनेस आती है, बट थेरेपी उसको भी धीरे धीरे ओवरकम करती है, उसको भी नॉर्मली ठीक करती है आपका हेवीनेस वगैरह। हाँ, तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा वाइब्रेशन का ही प्रॉब्लम है, कभी जो अभी तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है आपका। एंड लास्ट चीज मैम, क्या ये मैं आपका फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट को अवेयरनेस देने के लिए? आप मेरा वीडियो डालेंगे कि ऑडियो डालेंगे? आप कंफर्टेबल नहीं हो, फेस मैं आपका ब्लर करवा दूंगी। आप ब्लर कर दीजिए, बिकॉज मैं अभी घर में काम कर रही थी ना, ऐसे ही मतलब ले लिया, बिकॉज मैंने वीडियो पहले भेजा था। हाँ जी, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड अ वीडियो। अच्छा, ओके, सो मैं आपका वो फेस प्लग करवा के, एंड अभी ये जो आपका मेरे काफी अच्छा फीडबैक है आपका, सो मैं डेफिनेटली इसको अपलोड करवाऊंगी फिर। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, ओके, वेलकम।